स्वागत। उपनिर्वाचन होगा थोड़ा बरगड़ जिला विजयपुरवासियों पर सरकार को पुणि एक भेट। विजयपुर को एनएससी घोषणा कर राज्य सरकार उपनिर्वाचन पूर्व एक बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। विजयपुर को एनएससी मान्यता नहीं सरकार नीतिगत निष्पत्ति से विजयपुर में सब रजिस्ट्रार अफिस् खुब शीघ्र खोल सरकार निष्पत्ति। सब रजिस्ट्रार अफिस् खोलें 110 गांव लोके उपकृत हो। विजयपुर को एनएससी घोषणा को निर्वाचन चाल बोली कांग्रेस विधायक नव दास चाल काम देवनी कांग्रेस विजय होपरी। बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन कहते विजयपुर विषय चिंता करने को नवीन सरकार को एवं मन पड़ा निर्वाचन थी सरकार यह मिथ्या घोषणा करते तेज यार जवाब रखी विजय। आज ओडिशावासी समस्ते जानते विजु जनता दल ओडिशा सरकार गोटे निर्वाचन चाल तेणु ये निर्वाचन आगरु जिते कोटी टंका देखे विजयपुरवासी को हत्या पर चेष्टा करेंगे पश्चिम ओडिशावासी तथा विजयपुरवासी यार जवाब बाय इलेक्शन रे विजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को उचित जवाब देवे बैलट रे नॉट बाय अनाउंसिंग लोभ प्रलोभ जो देखा चेष्टा कर पश्चिम ओडिशार स्वाभिमान रही विजयपुर स्वाभिमान रही आसंता दिन आप देखिए बाय इलेक्शन रिजल्ट कांग्रेस दल निश्चय विजय लाभ। आज ये सब कथा आज निर्वाचन अच्छी मन पड़ा ये सरकार वास्तव में निर्वाचन पूर्व घोषणा करती निर्वाचन पर भूली जाती ये हूँ नवीन बाबू सरकार प्राथमिक व्यवस्था राज्य सरकार पाखे अर्थ व्यवस्था है ना ता बाबद कौन बजेट प्रोविजन ना तेणुक मिथ्या घोषणा करी जड़े 17 वर्षर मुख्यमंत्री जदि यह राजनीति करने को चाहिए लोके से बाबद जानते मिथ्या घोषणा को ग्रहण करेंगे ना और मिथ्या घोषणा को लोके आगामी निर्वाचन में प्रत्याख्यान करके देखेदेवे से बाबद रेस्पन्स कौन ये कंग्रेस कहे संपूर्ण भित्तिहीन और मिथ्या कारण यही प्रोसेसटा आज नुहे बस बाहर बोध आरंभ हो अंचलवासी विशेषकर विजयपुर अंचलवासी मत गोटे गोटे पिटन देते दुई चार 2016 पेटर नंबर 389 देखें से माननीय मुख्यमंत्री तार एग्जामिन करने विभाग पढ़ते डिपार्टमेंट को जिलापाल पठाते और से भितर गोटे पजिट रिपोर्ट देते एट्रे जे विजयपुर एनएससी योग्यता अच्छी ताको आधार कर आज घोषणा है तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई सीधासख जा विजयपुर से अच्छा प्रतिनिधि दीपक शर्मा। दीपक वर्तमान विजयपुरवासी प्रतिक्रिया कौन रही कि खुशी मनाऊंट कारण विजयपुर को एनओसी घोषणा कर खूब शीघ्र खूब जल्दी सब रजिस्ट्रेशन अफिस् खोल विजयपुर में कौन रही लोकों प्रतिक्रिया के खुशी अच्छा दीपक। हाँ प्रिय रंजन ये जो घोषणा पर सब विजयपुरवासी मैंने पूरा खुशी अच्छा और फोटका फटोचार आम सांगे अच्छा जे बहुत दीर्घ दिन दाबी कर आसुले वकिल संघर सभापति अच्छा विजयपुर तांकटो प्रतिक्रिया ना से कौन कहते आज्ञा आप दाबी थी बहुत दिन रू कौन आप कह जो मुख्यमंत्री घोषणा पर आज्ञा आमर बहुत दिन दाबी थी जे विजयपुर अंचल आम 24 पंचायत 110 गाँ को नहीं गठित 110 गाँव रोक दीर्घ दिन आमर सहला जा आमर विजयपुर अंचल दूर दूरांत हारा हारी 50-55 किलोमीटर दूरता सबुदिन कम्युनिकेशन फैसिलिटी नथिला किंतु सेठी जा जो रजिस्ट्रेशन करुले आसवाक संध्या भी होता राति भी होता बरगड़ बाट दे आसुले तार दाबी आम उपस्थापित कर आसुलु गत थर जितेबले आम ये मुख्यमंत्री आसते आम दुईटा दाबी उपस्थापित करूँ विजयपुर अंचल अंचलवासी विजयपुर युवमंच पिला समस्त प्रचेषार आम उपस्थापित करूँ जे ये गोटे रेजिस्ट्री अफिस् खोल जाऊ और गोटे जुडिशियल कोर्ट खोल जाऊ शुणुते जहाँ दाबी थी आउ जो अच्छा पचारा जो एनएससी घोषणा होते उपकृत हे के उत्साह रही भितर विजयपुरवासी भितर आमर बहुत उत्साह रही बहुत दीर्घ दिन दाबी आज सफल हो पारे आमर माननीय मुख्यमंत्री दाबी को आम सफल कर दूसरे अशेष अशेष धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करुचु आम सुशांत सिंह नेतृत्व में मैंने निष्ठापर उद्यम जो यह संभव होगा अच्छा श्रम मंत्री सुशांत सिंह जानवा कौन रही विजयपुर निर्वाचन से दायित्व नहीं बहुत दिन लोक मैंने दाबी कर आसुते कौन प्रतिक्रिया रही है विजयपुर जनसाधारण ब्लकवासी विशेषकर बहुत गुड़े माने पेंडिंग दाबी आज
ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ସାରା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି ଏବଂ ଆମର NSC ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ସେସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଜେପୁରକୁ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରେ ଲିଫ୍ଟରେ କେନାଳରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଚାଷ ଯେମିତି ବିଜେପୁର ପାଇଁ NSC ଏବଂ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ଆଖି ରଖିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଜେପୁର ବାଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମାଣିକ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ବିଜେପୁରର ଅନେକ ମାନେ ଯୁବ ସମାଜର ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକିରି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ପଠା ହେଇଥିଲା ବିଜେପୁରଟା ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥାଇକିରି ଆଜି ସେଟା ତାର ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଦୀପକ, ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଖୁସି ରହିଛି, କାରଣ ବିଜେପୁରକୁ NSC ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବିଜେପୁରରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।